हमारे देश भारत में क्रिकेट के दीवानों की कोई कमी नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट मैच का नाम सुनते ही लोग अपने काम से छुट्टी लेने के बहाने ढूंढने लगते हैं। कोई सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहता है तो कोई धोनी का दीवाना है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। आज भारत में क्रिकेट एक त्यौहार की तरह माना जाता है और इस त्यौहार को IPL कहते हैं। पर क्या आप जानते हो देश का वो पहला बैट्समैन कौन था जिसने सबसे पहले 100 रन बनाए थे? भारत के उस खिलाड़ी के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट्स वर्ल्ड टैबी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का मकसद आपको इतिहास में हो चुकी घटनाओं, दुनिया के अजीबो गरीब रीति रिवाज, साइंस से जुड़ी जानकारियों के साथ रहस्यमय वाक्यों से रूबरू करवाना है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दो ताकि आपको आसानी से पूरी दुनिया की जानकारी मिलती रहे। पंजाब के कपूरथला में 11 सितंबर सन 1911 में जन्मे लाला अमरनाथ का असली नाम नानक अमरनाथ भारद्वाज है। इन्होंने 15 दिसंबर सन 1933 में मुंबई के जिमखाना मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ देश की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच से अपने करियर की शुरुआत की। पहली बार भारतीय टीम में शामिल किए गए लाला ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 38 रन ही बनाए थे। इस पारी में भारत का कुल स्कोर 219 रन था। जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 438 रन बना दिए। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत के सिर्फ 21 रन पर ही 2 विकेट गिर गए। 2 विकेट गंवा देने के बाद लाला ने धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी और 118 रन ठोक दिए। ये स्कोर भारतीय खिलाड़ियों में टेस्ट सीरीज का सबसे पहला शतक था जो लाला अमरनाथ ने बनाया था। उसके बाद वो डेब्यू टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने 67 रन बनाने वाले कप्तान CK नायडू के साथ तीसरे विकेट के तौर पर 186 रन भी जोड़े, लेकिन फिर भी पूरी भारतीय टीम 258 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की टीम ने 40 रन के लक्ष्य को सिर्फ 1 विकेट खोकर जीत अपने नाम हासिल कर ली। भले ही टीम इंडिया 9 विकेट से ये मैच हार गई हो, पर लाला की जबरदस्त बल्लेबाजी देखकर दर्शक उनके दीवाने हो गए थे। दर्शकों के लिए ये बड़ी बात थी कि अंग्रेजों के बनाए गए खेल को अंग्रेजों के सामने इतने शानदार तरीके से खेला गया। एक भारतीय बल्लेबाज ने अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी। जब लाला आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तब उस स्टेडियम में बैठी महिलाओं ने उनके ऊपर तोहफे के तौर पर पहने हुए सोने चांदी के जेवर निकाल कर फेंक दिए थे। लाला ने बाद में अपनी बायोग्राफी में उस मोमेंट के बारे में लिखा था, जब वो शाम को होटल पहुंचे तो उन्हें मिलने के लिए सैकड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनके कमरे के अंदर हजारों लिफाफे थे जो लोगों ने मुबारकबाद देने के लिए भेजे थे। फूलों के बुके के साथ दर्जनों रोलेक्स की घड़ियां और कई तरह के तोहफों से उनका कमरा भरा पड़ा था। बल्लेबाजी के साथ वो गेंदबाज भी बड़े कमाल के थे। दाएं हाथ से मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करते हुए वो दायां ही पांव क्रीज पर आगे रखते थे। कहा जाता है कि ऐसा सिर्फ 100 गेंदबाजों में से कोई एक ही कर सकता है। उनके इसी अजीबो गरीब गेंदबाजी से उस समय के बड़े बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन जैसे खिलाड़ी भी उनके सामने घबराते थे। डॉन ब्रैडमैन अपने करियर में पहली और आखिरी बार हिट विकेट हुए थे। ये कारनामा लाला ने साल 1948 में भारतीय टीम के पहले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर किया था। साल 1947 में आज़ादी के बाद चुनी गई भारतीय टीम में लाला अमरनाथ को कप्तान बनाया गया था, जिससे वो आज़ाद भारत के पहले कप्तान भी बन गए। इनकी कप्तानी में साल 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट सीरीज में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। लाला ने अपने करियर के दौरान 24 टेस्ट मैच खेले जिनमें उन्होंने 878 रन बनाए थे और 45 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी में 118 रन ही उनकी बेस्ट पारी रही, जबकि गेंदबाजी में 96 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। लाला अमरनाथ के बाद उनके बेटों ने टीम इंडिया के लिए खेलना शुरू किया। उनके बेटे सुरिंदर अमरनाथ तो कुछ ही मैच खेले, पर मोहिंदर अमरनाथ को भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडरों में गिना जाता है। मोहिंदर अमरनाथ को सबसे ज्यादा चर्चा साल 1983 में खेले गए वर्ल्ड कप मैच के सेमीफाइनल और फाइनल में की गई गेंदबाजी और वेस्ट इंडीज में 400 से ज्यादा रन बनाकर टेस्ट मैच जीतने के लिए हासिल है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।